संस्कार से संबंधित 16 संस्कार योगी छी हमर पाठ्यक्रम छी। 16 संस्कार हमर जीवन का पाठ्यक्रम छी। जेना एकटा पाठ्यक्रम पढ़े के लेल होय छै तहिना ओ संस्कार छी जीवन में जीवन के। गाँव में आप कह सकते हैं कुछ दिन बाद गाँव में बुझे थे आप गाँव में कम लोग बैठे कैसे जला बैठे हम सब और जे कियो जिनका कोजगरा के चुमान नहीं हो जिनका अगला जन्म में 40 के जन्म हो यानी के चुआ और एक अलगो के संगे अहा जे छे से कोनो तत्कालिक कार्य में एक भ गेलौ एक टा मंच बना लेलौ ओत मैथिली मैथिली करबे कोई सब मैथिली के कोनो बहुत ज्यादा उन्नति होय वाला नहीं छे ओ कोई दिन विशेष के लेल अहा के लागत जे हम हे प्रबुद्ध प्रणामी आप्रखर सुधीर सती सुहिरद श्रोतागण अपने तमाम अवाल वृद्ध के मिथिला टीवी में हार्दिक अभिनंदन अछि। जातव अछि जे मिथिला टीवी दृढ़ संकल्प अछि जे ओहि तमाम मैथिल आ मैथिलानी के यथासंभव सामाजिक प्रतिष्ठा दियावे जे मिथिला मैथिली के कोनो न कोनो रूप में सेवा करै छथि। उल्लेखनीय अछि जे भारतक राजधानी में मैथिलक संस्था लगभग 500 सौ अधिक पंजीकृत भ चुकल अछि। ओहि में एक गोट संस्था अछि विद्यापति स्मृति संघ जे एखन डेगा डेगी चलय लागल अछि। तलब अछि विद्यापति स्मृति संघ रोहिणी सेक्टर 1 अवंतिका सँ संचालित भ रहल अछि जतः वर्ष 2018 विद्यापति पर्व समारोह 2 दिसंबर रवि दिन को हर्षोल्लास पूर्वक सम्पन्न भेल। जे नौनू से गर्वहि नौनू कहावतक चरितार्थ कह ई संस्था दूसरे वर्ष में सांसदक कोष सँ भव्य बाबा विद्यापति द्वार के उद्घाटन वर्तमान महापौर आदेश गुप्ता द्वारा युवा कर्मठ मैथिल पुत्र निगम पार्षद मनीष चौधरी के तत्वाधान में विद्यापति पर्व समारोह के पूर्व संध्या उद्घाटन करवा प्रवासी मैथिलक संस्था के उपलब्धि के अंतरिक्ष में वो पताखा फहरा देना जे लागे जना की कहियो मैथिल पुत्र शंकर कहने छला जे बालो अहम यग्रानंदो नमी वाला सरस्वती अपूर्णे पंचमी वर्षयाम वर्णयाम जगत त्रयम। निसंदेह एहि तरहक पाथर परहक दूबिसन एकलौता उपलब्धि के श्रेय पर एहि संस्था और निगम पार्षद मनीष चौधरी के एकाधिकार रहत। मनीष चौधरी निगम पार्षद के चुनावक परिणाम दिन सँ अवंतिका के प्रवासी मैथिलक ऋणी छला जे आइ ओ उड़ीन भ गेला। विद्यापति द्वार के रख रखाव पर उत्तर दैत महापौर आदेश गुप्ता कहला जे हुनक जे काज छल से ओ कह देला। आओ आओ अपने सब के ला चले छी विद्यापति पर्व समारोह स्थल जतय अपने मैथिलक संस्था के दशा आ दिशा सँ स्वयं अवगत भ जायब। एहिसँ पूर्व जे अपने लोकनि सँ एकटा आग्रह अछि जे मिथिला टीवी के प्रस्तुति के देखू आ सब्सक्राइब करू। एहिमे अपने के एक उपाय नहीं लागत। एहि कार्यक्रम के भव्य संपादन संरक्षक मंडल श्री राजेंद्र झा श्री नवल किशोर झा श्री प्रभास झा श्री विश्वनाथ झा श्री इंद्रजीत झा श्री चंदन सिंह श्री कुंदन झा श्री डीएन झा श्री राहुल झा श्री धीरेंद्र झा श्री महेश झा श्री अरविंद कुमार झा श्री समरेंद्र चौधरी के संग अध्यक्ष गोविंद झा कोषाध्यक्ष नित्यानंद झा सचिव समरेंद्र सिंह महासचिव श्री राजेश झा आदि के अथक प्रयास सँ 2 दिसंबर 2018 को संपन्न भेल।
सवाल है सर, ये क्या आने वाले समय में ये जो द्वार है ये क्या एक होर्डिंग का स्पॉट बनकर रह जाएगा? हाँ जी, एक होर्डिंग स्पॉट बनकर रह जाएगा ये? आज के जो जितने भी द्वार बनते हैं वो सब होर्डिंग स्पॉट बनकर के रह गए हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग जो संस्था है उनके होर्डिंग बस लग के रह जाते हैं। हमारा मकसद तो अच्छा है, बाबा विद्यापति जी इतने विद्वान और कवि, उनके नाम से ये द्वार बनाया गया और जो हमारा मकसद है वो लोगों को बाबा विद्यापति जी के कामों से प्रेरणा मिले। वो इतने महान कवि थे, मिथिला के बहुत विद्वान कवि, जो भगवान शंकर के इतने बड़े उपासक स्वयं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, और हमारे जो नागरिक है यहाँ रहने वाले लोगों को प्रेरणा मिले इसके लिए हमने बनाया। जीवनम सफलम दत्तो मरणम मंगलम तत्तो, ओठाम जो जीवित रही तो जीवन सफल भ जाय, आ जो प्राणांत भ गेल तो अहाँ के मंगलमय भ जाय। से सात टा गो कुल कुल छै से बुझल अछि, जाहिमे एकटा इहो छियै जतय एखन ठाढ़ छी से अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी बारावती जैव सत्यता मुख्य जायिका सात ठाम जो अहाँ जीवै छी से सफलीभूत, आ जो चल गेलहुँ तऽ मोक्ष भेटत। ओठिका अयोध्या एक मथुरा दू माया नगरी नाम छिके से ओ की नाम छियै, हमरा लोकनि जाइ छी हरिद्वार आ हमसब कहै छियै मिथिले नामे चकमरिया बुझ बुझ अनहरिया में चकमक जोड़िया, ई नबका सुंदर त्योहार सजल अवंतिका आई सोलह श्रृंगार, की आई सजल अवंतिका सोलह श्रृंगार, गुज गुज अनहरियो में चकमक जोड़िया, ई नबका सुंदर त्योहार आई सजल अवंतिका सोलह श्रृंगार, आई सजल अवंतिका सोलह श्रृंगार, एहन कला मंच एकर पर तरले आने, एहन कला मंच एकर पर तरले आने। अपने हुनका पार पहिरा के हुनका अभिनंदन करी, स्वागत करी, पुष्प अर्पण करी, विद्यापति के प्रतिमा पर हमरा बीच उत्तरी नगर निगम के उप महापौर हमरा बीच उपस्थित छथि, मंच पर हुनका हम मंच की ओर से अभिनंदन करै छी, स्वागत करै छी। विद्या पति स्मृति संघ की ओर से हुनका अभिनंदन अछि, संगहि देवेंद्र सिंह जी एक्शन छथि, चंदन सिंह जी हुनका अभिनंदन करैत, संगहि शरद गुप्ता जी प्रभा साजी संरक्षक विद्यापति स्मृति संघ हुनका अभिनंदन करैत, पाल पहिरा कर अतिथि के अभिनंदन करी। स्वागत हमर परिपाटी अछि, हमर धरोहर अछि, हमर ख्याति अछि, जकरा जीवंत राखब हमर प्राण अछि। हुनका सबके बारे में हम ही कहब कि आइ विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में और संगहि गोविंद झा जी विद्यापति स्मृति संघ के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी महापौर के अभिनंदन कला, बहुत एक बेर थपड़ी बजा के अभिनंदन करू, ई बुझा जे अतिथि सत्कार हम ठीक जका करै छी। नवीन झा जी तुलसी के बिरबा भेंट कऽ के हुनका अभिनंदन कऽ रहल छनि, चंदन सिंह जी अभिनंदन कर रहल छनि, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा साजी आदेश
गुप्ता जी महापौर के अभिनंदन कर रहा हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह जी एक्शन सचिन उनका अभिनंदन करो के लिए, चंदन सिंह जी, शरद गुप्ता जी यही सचिन उनका अभिनंदन करो के लिए, प्रभाष हाजी के हम धन्यवाद। बाबा विद्यापति स्मृति संघ द्वारा आयोजित महान कवि की याद में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थित सभी विद्वान जन मंच पर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद और रोहिणी जोन के चेयरमैन मनीष चौधरी जी, इस मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई नवल किशोर झा जी, सभी आयोजकगण, उत्साही बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज हम लोग मिथिला के मैथिल के महान कवि बाबा विद्यापति जी की याद में हम लोग एक कार्यक्रम में हैं। बाबा विद्यापति जिनका नाम आज मिथिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, वरन पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में एक ऐसे कवि के रूप में जाना जाता है जिन्होंने श्रृंगार रस की रचनाओं के साथ भक्ति रस को जोड़ा है, और कब उनकी रचनाएं श्रृंगार रस की सरिता में डुबकी लगाते हुए भक्ति रस के उस सुरम्य तट पर पहुंच जाती थी, ये पढ़ते ही अनुभूति होता है, उन रचनाओं को सुनने के बाद ही अनुभूति होती है। उनकी देवी के बारे में एक बहुत प्रमुख रचना है, जय जय भैरव असुर भयावन पशुपत भावनी माया, इतनी अद्भुत रचना है कि उसमें मां भगवती का वो रूप भी है जो दुष्टों के संहार के लिए जाना जाता है, और वो रूप भी है जो उनके माथे की बिंदी और श्रृंगार का प्रचायक है। तो भक्तों के लिए दोनों रूप, हम कई बार मां काली के दर्शन करते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक ही रचना में मां भगवती के सारे रूपों का वर्णन किया है, और ये रचना पूरे देश का, मैं समझता हूं कि जो लोग भगवती के उपासक हैं वो इस रचना के बारे में भली बात जानते हैं, और इतने विद्वान कवि, मैं उनके इस कार्यक्रम में आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मिथिला की संस्कृति और मिथिला का एक एक कण वास्तव में पवित्र है। मैं वहां गया हूं, स्वागत और सत्कार की जो परंपरा मिथिला में है वो पूरे हिंदुस्तान के जो प्रमुख परंपराएं हैं उनमें से एक है, सर्वोत्कृष्ट परंपराएं हैं। मैं आज अपने आप को बहुत ही, मुझे बहुत खुशी हो रही है, गर्व का क्षण महसूस हो रहा है। मैं आज मनीष चौधरी जी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम में आया और मेरा स्वागत सम्मान हुआ, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बाबा विद्यापति महाराज की धन्यवाद। अवंतिका में जखन अपने आयल रही तखन अपने के बुझा में आयल रहे मन एक मैथिल के एतिक पैघ संस्था बना देवे, हम जखन आयल रही ओ समय में बिल्कुल नगण्य छे अपना मैथिल के संख्या बहुत कम छे, लेकिन एहिठाम का जो लोकल आदमी सब बदमाशी स्तर पर छे, और ओ सब हमरा सबके एहि तरह केलक जेकि हमरा एहि मंच के स्थापना करब, हमर उद्देश्य यह छल कि हमर अपना समाज के एकत्रित करी और हमू सब एक मैथिल छी, ई लोग के परिचय होय, और हम सब घर घर जाकर एक एक आदमी के लोग मंच के स्थापना करूँ, आई ओकर हम ये देख रहा छी, बहुत खुशी बहुत प्रसन्न छी कि हमर जे उद्देश्य छल ओहि उद्देश्य में आप अपने के केहन लगे जे आप कतेक संतुष्ट छिए जे अपने जे मेहनत के लिए तकर फल जे भेट रहल है ते से अपने कते संतुष्ट छिए? बहुत प्रसन्न छी हम, और हम ई सबसे आग्रह करें
जे होइत छै कि जे सब सत्य भेलौं बहुत बढ़िया रहत लागि रहल अछि, लेकिन लेकिन ओहिमे एकटा आओर की कहब जे एहिमे जे किछु हमसब आबि जाइ छै जनताके दुर्घटना कऽ लेलहुँ, ई सब नहि ठीक बात छै। ओहिके हमसब अपन पूरा प्रयास छै सबके मिला कऽ एकठाम लाबी आ ओहिना चलै, जेनाकि आबयवला सरस्वती पूजनके हमर कोशिश है, हमर पूरा विश्वास है कि हमरा बात के क्यों नहीं काटना और हम सब एक ही मंच पर सरस्वती पूजा शुरू करब और एहन एहन और क्या जे कोनो उत्सव अवंतिका में तीन टा संस्था भ गेल रतन जी संस्था तो कतेको करै छै दिल्ली संस्था की कमी नहीं है, संस्था अपन होटल नहीं रहते, लेकिन आपस में मन मतभेद भेद ई सब नहीं हेबाक चाहिए। अब अहाँ के संस्था के माध्यम से राजनीतिक महत्वाकांक्षा के सेहो जन्म लऽ रहल अछि, अपने की कहऽ चाहै छी? इएह हम कहलहुँ ना कि संस्था तऽ अहिना होइ छै जन्म लेतै, लेकिन हमर कोशिश ई है कि एना सब एकदम से दुर्घटना नहीं जाए, एकदम से कटे, हमर उद्देश्य छल ओहि उद्देश्य तो हम नहीं भटकी आगा, ई हमर प्रयास है। तीनू संस्था साल में मिला जुला कऽ अहाँके 50 लाख रुपया जमा कऽ लै छै, 50 लाख रुपया के कोनो एकटा आउटपुट अहाँ देखा सकै छी जे संस्था कतौ अपने आउटपुट ठाड़ केलथि? हमर तऽ भारी नुकसान अछि, हम वएह चीज जानि रहल छी, ओतबे नहि एहिके साथ साथ हमरा सबके फुटकाबऽ मे हुनके सबक हाथ हमरा जहाँ तक अपना अंदाज बुझा रहल छै। हम चाहै छी जे सब एकत्रित कऽ कऽ एक आइयो तक और आगा आबय वाला समय में फिर यदि कोनो नव संस्था बनतै तऽ सबसे पहिने अपने ओटा मन जाय छथि लोग, क्या अपने के मूर्धन्य लोग बुझै छथि। अपने ई क्या कहियो सवाल रखलियनि कि जे एहि संस्था के एकटा कोनो लक्ष्य निर्धारित करू? आइ जेना एकटा छोट उदाहरण दै छी जे एकटा DSLR कैमरा के बुक केने छियै जेकरा 18,000 रुपया देलियै आर अहाँ चंदा वसूल लियै 10 लाख रुपया, ओहि कैमरा के दाम छै 35 लाख रुपया। अगर 35 लाख रुपया कैमरा एकटा खरीद लेतै तऽ तीनू संस्था भरि साल में 6 टा काज करय पड़ै छै, अहाँके एकटा रोजगार सेहो स्थापित कऽ सकै छलियै। आइ एहि तरह कार्यक्रम अहाँ सब किएक नहि सोचलियै? हमरा सबके तऽ सबसे पहिला पूरा लक्ष्य ई है जे एक ठाम सँ दोसर ठाम तक बिखरा नहि और एक ठाम एकत्रित हो तखन हम कोनो उद्देश्य बनाबी हम किछु करी, लेकिन जहन हमरा सबके आपदे मे जहन नहि रहती हम की कऽ सकै छी? ताहि दुआरे हमर सबसे पहिला लक्ष्य यह है जे हमसब सब गोटे एकत्रित होइ, सब शांति और सद्भाव रखे और सबटा हेतै, किएक नहि हेतै? हमर सबके उद्देश्य ही है जेकि जेना कहलियै अपनेखन जे एतेक लाख रुपया के हमर सब करै छी इकट्ठा, बर्बाद हमर ओकर कोनो उद्देश्य पूरा नहि भऽ ओ चीज नहि, इएह उद्देश्य हमर आगा हमेशा। संस्था के माध्यम सँ अहाँ कोनो एकटा एहन कोनो योजना बनेलियै जे के माध्यम सँ बुझब अबे के जे आगा संस्था आप इहो काज करतै? जी, हम चाहै छी जे एहि संस्था के किछु आदमी में मिलकर एनजीओ बनाबे और ओहिमे जे एनजीओ के जे सरकार द्वारा भेटै छै ओ मिलकर और हम सब काज करिए, सामाजिक काज करिए, खाली पूजा पाठ एक खिला से नहीं होती, हम एहिठमा सरस्वती पूजा कऽ लेलहुँ, होली मिलन कऽ लेलहुँ, छठि पर्व कऽ लेलहुँ, एहि सबसँ नहि, हमर जे उद्देश्य असली उद्देश्य समाज सेवा, जेकि हमर सामाजिक संस्था अछि, सामाजिक संस्था हम जे पकड़ल छी एखन तक तऽ हमसब चाहब जे ओ जे हमर उद्देश्य अछि ओकरा हम जरूर पूरा करी। अहाँके रोहिणी मे कम से कम 20 टा संस्था छै, ओहि 20 संस्था के एक सूत्र में बांध के अपने कोनो योजना? हम पहिलो प्रयास केने छियै कि हमसब चाहलियै जे सब संस्था में मिलकर के मेन मेन आदमी सब के ये सब गोटे एक ठाम इकट्ठा हो और सबके एक सूत्र में बांधल जाए, लेकिन ओहिमे हम सफल नहि भेलहुँ हैं, लेकिन हमर प्रयास जारी रहतै, हेतै, जरूर हेतै, प्रयास कयला सँ की हेतै? कहियो उम्मीद नहि केने छलहुँ जे एतेक ओहि काम हेतै, जहन उम्मीद नहि छलहुँ कहबे कयलहुँ पहिले जे नाम के बराबर करबाइ छै, लेकिन आइ जहाँ तक पूजा एक दोसर के मिलन, एक दोसर के पहचान ई सब भेटल पर हमरा उम्मीद अछि ओहो सब जरूर।